जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आज उनके कार्यक्रम की शुरुआत होती है गणेश वंदना से। आज उनके मंच पर शंखनाद होता है। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आज उनके मंच पर जय श्री राम भी बोला जाता है, जय श्री कृष्ण भी और हर हर महादेव के भी नारे लगते हैं। इसे ही कहते हैं सियासत में वक्त का पलट जाना। नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मर शंख बजाएगा, ब्रह्मर शंख बजाएगा, जय सीताराम। मायावती 2007 की तरह सत्ता में वापसी के लिए बसपा के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हैं। अब तक सूबे के 74 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी हैं और अब आखिरी सम्मेलन लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में हुआ। यूपी में 2022 की चुनावी लड़ाई में कमजोर मानी जा रही मायावती को जब एहसास होने लगा कि बिना तिलक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बसपा को 23 जुलाई को ही ब्राह्मणों की याद आ गई। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हुई, लेकिन कहते हैं ना, ठोकर खाने से ही अकल आती है। यही अकल अब मायावती को आई है जब वो हाशिए पर चली गई है। मायावती को अब समझ में आ चुका है कि ब्राह्मणों के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर पिछली गलतियां फिर से दोहराई गई तो सत्ता उनसे रूठी ही रहेगी। इसलिए मायावती प्रबुद्धों की भीड़ में खुद कबूल कर रही हैं, अब गलती दोबारा नहीं होगी। अब न हाथी की मूर्ति लगेगी न अम्बेडकर की। पहली सरकार में जो करना था कर लिया, दूसरी सरकार में बस काम होगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। देवरिया, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज, हाथरस और शाहजहांपुर जैसे 21 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो ब्राह्मण बहुल हैं। यहाँ ब्राह्मण जिसके खाते में गए जीत उसी की होगी। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं। यूपी में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते हैं, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी के हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिला था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 21 ब्राह्मण समाज के विधायक जीत कर आए थे। 2007 विधानसभा में बीजेपी को 40% ब्राह्मण वोट मिला। 2007 में बीएसपी दलित ब्राह्मण गठजोड़ का सफल प्रयोग करने में कामयाब रही थी, जिसे बसपा का सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया। 2007 में मायावती ने 86 ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया, जिनमें से 41 ब्राह्मण जीत गए। करीब 10 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को मायावती ने अपनी कैबिनेट में जगह दी। यूपी की सियासत में सबसे पहले ब्राह्मणों को तरजीह मायावती से मिली, जिसका नतीजा था कि प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों का महत्व बढ़ता गया। उसके बाद जो भी दल कुर्सी पर आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही और एक बार फिर ब्राह्मणों के कंधे की सवारी करके मायावती अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहती है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।